जय राम जी की दोस्तों, स्वागत है आपका वापस से एक और नए वीडियो में। अभी हम अपनी दुकान पर हैं और आप देख सकते हैं हमारी दुकान में पूरा गोदाम खाली हो चुका है। आप इधर भी देख सकते हैं, सिर्फ वहाँ लास्ट में 20-25 बोरी यूरिया बची हुई है और इस साइड में यहाँ पर थोड़ा सुपर बचा हुआ है, ये 100 सुपर है और बाकी पूरा का पूरा गोदाम खाली हो चुका है। और ये जो आप देख रहे हैं ये यूरिया नहीं, ये ऊर्जा जिंक है जो जैविक खाद करके आता है वो है। तो अभी जैसे बुआई जब थी तब भी डीएपी की दिक्कत थी, किल्लत थी, बहुत कम डीएपी आ रही थी और अभी जब गेहूं की सिंचाई है और सब कुछ है तो यूरिया की किल्लत है। पता नहीं क्यों यूरिया हमारे यहाँ आ ही नहीं रही है, बहुत ज़्यादा दिक्कत है। उम्मीद करते हैं कि आने वाले समय में अगर आएगा तो फिर बेहतर होगा, नहीं तो फिर क्या किया जा सकता है। तो आज हम आपको अपने गांव के दूसरे छोर पर ले चलते हैं, जो हमारा गांव है आज हम उसे आपको दिखाने की कोशिश करते हैं। तो चलिए चलते हैं, हम आपको अपना गांव दिखाते हैं। ये हमारी जो गाय है इस साइड में अभी अपना खाना खा कर और आराम कर रही है। तो ये हमारा घर है और हमारे घर के जस्ट बगल से ही गांव के अंदर को रास्ता गया है और ये हमारी अम्मी ने अपनी गाय के गोबर के कंडे बना के रखे हैं सूखने के लिए। और इसके जस्ट बगल में ही ये मनीष भाई के भैंस के जो गोबर के कंडे हैं वो बना के रखे गए हैं और मनीष भाई ने यहाँ पर कुछ गोभी भी लगाई है, हालांकि अभी इसमें फूल नहीं आए हैं। हो सकता है कि 10-15 दिन में आने शुरू हो जाएं छोटे छोटे। और ये मनीष भाई ने टमाटर भी लगा रखे हैं और ये पूरा घर जो आप देख रहे हैं ये इस रास्ते के दोनों तरफ ये हमारे मनीष भाई का ही घर है। तो देखते हैं मनीष भाई क्या कर रहे हैं यहाँ पर। तो मनीष भाई अभी जस्ट लखनऊ से आए हैं और अपनी भैंस को अंदर से बाहर निकाल कर धूप सिखा रहे हैं। अभी इस ठंड का समय है तो धूप में रहना सबको अच्छा लगता है, तो इसलिए भैंस को अभी थोड़ा धूप दिखा रहे हैं जिससे ये थोड़ी ज़्यादा बेहतर महसूस कर सकें। मनीष भाई के पास इस समय 4 भैंस हैं और सामने आपको जो दिखाई दे रहा है ये हमारे गांव का एक कुआं है। हालांकि अब पानी पीने के लिए कुएं का इस्तेमाल नहीं होता है, पहले के ज़माने में इतने नल नहीं होते थे तो पानी पीने का मुख्य स्रोत सिर्फ कुआं ही होता था और सिंचाई का भी साधन कुआं होता था। लेकिन अब सिर्फ शादी विवाह में एक रस्म के लिए कुएं को सुरक्षित रखा गया है। आपने देखा होगा अगर हमारी पिछली वीडियो जिसमें सोनू भाई की शादी थी तो उसमें आपने देखा होगा कि कुएं के चारों तरफ पहले कुएं के साथ शादी की जाती है और उसके बाद फिर शादी के लिए जाया जाता है। तो इस रस्म को हमारे यहाँ बोलते हैं इनार भी है, मतलब कुएं के साथ पहले शादी करनी होती है फिर अपनी शादी के लिए जाना होता है। तो इसलिए कुआं अभी भी सुरक्षित है गांव में। तो मनीष भाई का घर यहां पर ख़त्म होता है और गांव के अन्य घर शुरू होते हैं। तो आइए आपको दिखाते हैं आज अपना पूरा गांव मनीष भाई के साथ। मनीष भाई को आप लोग जानते होंगे, आपने कई वीडियो में मनीष भाई को देखा होगा और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ लोगों ने बकरियाँ पाल रखी हैं। ये हमारे गांव के कुछ घर हैं और एक दुकान है परचून की छोटी सी और यहाँ पर ज़रूरत की जो छोटी मोटी चीज़ें होती हैं वो मिल जाती हैं और बड़ी चीज़ें मार्केट से लानी पड़ती हैं। कौन ये तो मुरमुरो तो अपन दरवा किया तो हम लावे लागे कौन स्वादिष्ट होते हैं।
जब खियाई तो हम कहा यार अच्छा बची मुझे तो पैसों लो ये तो गड़बड़ हुई हाँ भरे हैं थे दिया हेलो ये साल की जब आ कर जाए कि मेरे बिना लौड़ी तुम्हें दे रहे हैं अरे हम मैं भले दिए राहुल दोनों दौड़े हैं बाथरूम में जा पाओ तेरा डंडो वाला था जो बाथरूम में अब तो आई हाँ मारी बोलेगा हाँ मारी अमरूद फाकन हो बिन पाके छमना हो इधर आओ इधर आओ हट जा हट जा हट जा हाँ खाओ चलो चलो देख चलो आ तो कर रही यूट्यूब में ला चलाओ तो धोवा मनीष भाई को अमरूद खाने का बहुत शौक है। आपने देखा होगा एक वीडियो में जिसमें हम लोग मनीष भाई के बुआ के यहाँ गए थे तो वहाँ भी मनीष भाई अमरूद तोड़ रहे थे और यहाँ भी मनीष भाई के साथ जब हम गांव घूमने निकले तो हमारे राम मोहन जी के घर पे जो अमरूद का पेड़ लगा है तो यहाँ पर अमरूद तोड़ने के लिए मनीष भाई छत पर चढ़ गए हैं। कहाँ गए जो उन परेशान और अब हमारे साथ विकास भाई भी जुड़ गए हैं। विकास भाई अपने खेत से काम करके और वापस आ रहे हैं। चला विकास चलता ना चला रहा होगा और अभी हम लोग घूमते घूमते गांव के एकदम बीच में आ चुके हैं। ये गांव का एकदम मध्यांतर है और सामने गुप्ता जी का हमारे गांव के जो गुप्ता जी हैं उनका घर है। इनका दो घर है एक आगे की तरफ भी है और कुछ ऐसा है, दिखता है हमारा गांव अंदर से। छोटे छोटे घर हैं, कुछ पक्के हैं कुछ कच्चे हैं। कुछ लोगों ने जगह कम होने की वजह से अपने घर के छत पर ही जो लौकी होती है जैसे सामने वाले घर में जो छत है जो इसकी चद्दर है टीन की सीमेंट की तो इस पर लौकी का पौधा चढ़ा दिए हैं और यहाँ आराम से खाने के लिए कुछ लौकी हो जाती है। और कुछ आगे सामने की तरफ आपको कच्चे मकान भी दिखाई दे रहे हैं। लोगों ने दीवार पर भी छोटे छोटे गोबर के कंडे बना रखे हैं। ये हमारे गांव के नाव ठाकुर जी का घर है। ये बाल बनाने का काम करते हैं गांव के लोगों का और इन्होंने अपने घर पर एक भैंस भी पाल रखी है और एक गाय भी पाल रखी है जो अंदर की तरफ है। राम राम बढ़िया बात दुकान है यही हमारे नाव ठाकुर थे। आपने देखा होगा पिछले वीडियो में जब हमने यहाँ पर टकला करवाया था तो इन्हीं के सुपुत्र जी थे जिन्होंने हमारा टकला किया था। यहीं पर हमने टकला करवाया था और
ये हमारे गांव के कुछ घर हैं जो आप देख सकते हैं, और यहां पर हमारा गांव ख़त्म होने को है। ये हमारे गांव का पूर्वी छोर है, और ये हमारे गांव के विकास चौधरी जी का घर है जो हमारे साथ साथ यहां तक आए हैं अपने घर तक। और इसके बाद हम और हमारे मनीष भाई आगे जाएंगे। इन्होंने एक ट्रैक्टर स्कॉट 325 रखा हुआ है, और सामने की तरफ एक मारुति एल्टो 800 है इनके पास। अभी चलते हैं हम लोग गांव के आखिरी छोर तक। यहां पर जो घर है आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, ये एकदम लास्ट घर हैं। ये गुप्ता जी का हमारे घर है हमारे गांव के, और ये जो आपको मंदिर सामने दिखाई दे रहा है यही लास्ट घर हैं, और इसके बाद सिर्फ बाग हैं जो आम के हैं थोड़े बहुत, और उसके बाद काली माता जी का स्थान है। तो आइए मंदिर देखते हैं। करिया की अम्मा फिर आ रही हैं, कभी ये साइकिल चलाती हैं तो कभी बकरी को चराती हैं। उस दिन साइकिल चलाते हुए मिली थी, आज अपनी बकरी को चराने लेके जा रहे हैं। और हमारे गांव के एकदम पूरा साइड में यहां पर मंदिर है, हालांकि अभी दोपहर का समय है तो मंदिर बंद है। और पर्दे हटाकर देखते हैं, दुर्गा माता जी का मंदिर है ये। तो कुल मिलाकर हमारे गांव में दो मंदिर हैं, एक वो आपने देखा होगा वो ताल वाला मंदिर, और एक ये वाला। तो अभी हम लोग चलते हैं आगे की तरफ जहां पर काली माता जी का स्थान है, और उसके पहले गांव के ही लोगों का यहां पर कुछ लोग गांव के बाहर यहां पर घर बना रहे हैं अपने। अब जैसे जैसे जनसंख्या बढ़ती जा रही है तो वैसे वैसे लोग गांव के बाहर भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। पहले ये आबादी हुआ करती थी, आबादी की जो ज़मीन होती है। और यहां पर हमारे हौसला प्रसाद जी का भी ये छोटा सा टुकड़ा है जो करीब 2 बिस्से का है, इन्होंने सरसों लगा रखी है। आप लोग इतनी सारी बकरियां देखकर ये मत कन्फ्यूज होइएगा कि हमारे गांव में सिर्फ बकरियां ही बकरियां हैं। हर एक घर में हर एक किसी के पास में गाय या भैंस ज़रूर हैं, और ये जो बकरी रखे हैं ये लोग एक्स्ट्रा इनकम के लिए कुछ बकरियां पाल रखी हैं। और अभी हम लोग आ चुके हैं काली माता जी के स्थान पर, ये हमारे गाँव के पूर्वी छोर पर स्थित है। वैसे जनरली हमने देखा है कि हर एक गांव में यहां पर जो गांव का पूर्वी छोर होता है वहीं पर काली माता जी का स्थान होता है और किसी भी तरफ नहीं होता है। ऐसा क्यों होता है, पूर्वी छोर पर ही क्यों, ये तो मुझे नहीं मालूम और ना ही मैंने कभी किसी से पूछा है। कहाँ खेलते हैं लड़कों? हाँ कौन खेल खेले थे?
तो ये था हमारे गांव का एक छोटा सा वीडियो, जिसमें हमने अपने गांव के अंदर होते हुए और फिर गांव के पूर्वी छोर पर यहां पर काली माता जी के स्थान तक आए हैं। वीडियो कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा, और मिलते हैं फिर किसी और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय राम जी की दोस्तों।